अच्छा जी, तो आ गए इस्लामाबाद और बहुत लिया घूम, और फाइनली आ गया फिर वो दिन जिस दिन के लिए हम आए थे इस्लामाबाद। आई मीन इस्लामाबाद ओपन फिडे रेटेड चेस चैम्पियनशिप। चेस चैंपियनशिप नहीं है, मैं इससे पहले भी काफी ओपन और डिफरेंट लीग्स चेस की खेल चुका हूं। और होता यह है कि जो स्टार्टिंग के आपके 3 से 4 मैचेस होते हैं वो आपके लेवल के ही प्लेयर के साथ होते हैं, मतलब जो आपकी रेटिंग होती है चेस की उसी रेटिंग का प्लेयर आपको मिलता है। लेकिन नहीं, लेकिन मेरे साथ तो सीन ही कुछ डिफरेंट है, और मेरे साथ कुछ हुआ यूं। अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा फर्स्ट मैच है नेशनल मास्टर है खलीलुर रहमान से। फिलहाल नेशनल मास्टर देखकर तो मेरी हालत हो रही है, जाहिर सी बात है, हम लोग अभी बच्चे हैं लेकिन नेशनल मास्टर हैं। फिलहाल अभी टेबल नंबर टू पर मैं बैठा हूँ। बाकी स्टार्टिंग में मतलब टेबल जो स्टार्टिंग टेबल्स होते हैं वो मतलब ना अच्छे प्लेयर्स के होते हैं, टेबल नंबर 1-2, 1-2-5, तो अभी हमारा टेबल नंबर 2 है। बाकी अभी तक सर आए तो नहीं है, उनका मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी तकरीबन सब आ चुके हैं। अभी फर्स्ट मैच के बाद मैं बताता हूँ कि क्या सीन है। हारता हूँ, जीतता हूँ, ड्रॉ होता है, अगर हारता हूँ तो कैसे हारता हूँ, अगर जीतता हूँ तो कैसे जीतता हूँ, तो देखते हैं। बाकी पता नहीं सर आए भी अभी तक नहीं आए, लेकिन ना देखते हैं कि क्या होता है। और बात कुछ ये है कि आप व्लॉगिंग तो दुनिया के हर कोने में हर जगह पर कर सकते हो, लेकिन चेस हॉल के अंदर व्लॉगिंग करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। सीन ऐसा है कि आज हमारा है 3rd डे यहाँ पर इस्लामाबाद में, और 2 दिन बाद चली है चैंपियनशिप चेस की, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन जो थोड़े बहुत अपने क्लिप देखे वही बना सका, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ओपनिंग होती तब तो बड़ी चहल पहल होती है, लेकिन जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना उसी तरह खामोशी, और एक वहाँ अलग ही सेकेंड से कि वहाँ पर आप वीडियो बनाने का ना वो फील ही नहीं बनती। कोशिश मैंने की लेकिन नहीं बना सका। तो फिर यही है, हमारे तकरीबन हमारे 300 प्लेयर्स आए थे पूरे पाकिस्तान से, तो मेरी पोजीशन बनी है 16। तो बड़ी मुश्किल था यार, यहाँ पर NM, FM, नेशनल मास्टर, फिडे मास्टर सब थे, उनके दरमियान खेल के ये पोजीशन बनाना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये चैंपियनशिप हमारी ख़त्म हो चुकी है, आज हम जल्दी फ्री हो गए, थोड़ा चेंज वेंज किया, तो अब हम सोच रहे हैं कहीं इस्लामाबाद घूमें। अब कहाँ जाएं, वो ये भाई हैं अपने हमारे साथ, ये हैं तो इस्लामाबाद के, तो इनसे पूछते हैं कि जाना कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं जाना, तो सीन क्या है वो इनसे पूछते हैं। और फिर हमने सोचा कि जितना टाइम हमारा इस्लामाबाद में रह गया है उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि जो जगह हमारे करीब और रह गई है उसको घूम लिया जाए, क्योंकि डेली तो इस्लामाबाद आना हमने है नहीं। अरे नाम नहीं पूछा मैंने, अवैस अब्रार भाई, ये भाई हैं अवैस अब्रार, ये इस्लामाबाद में, ये हैं कराची के वैसे बेसिकली, लेकिन इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों किसी और के पास जाऊं, जब दोस्त पढ़ो मतलब समय हम दोनों के रूम साथ साथ हैं, रूम 101 हमारा रूम 100, तो मैंने बोला इस्लामाबाद में आप रहते हो तो हमें बता दो प्लेसेस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हम जाएँ, कहाँ कहाँ नहीं जाएँ, ये भी बड़ी बात है, जाएँ तो पता है। एक्चुअली मैं तो जब आपने पूछ लिया है ब्रदर तो मैं बता ही देता हूं, ये मैं गिलगित से, फैमिली मेरी कराची में है लेकिन पढ़ रहा इधर हूँ, मतलब ये आधा पाकिस्तान उन्होंने घूम लिया, आधा पाकिस्तान घूम लिया। तो बहरहाल खाने के लिए, अगर खाने के लिए आसे पूछ रहे हो तो आप जा सकते हो, सेवर जा सकते हो। तो फाइनली हम बाहर तो आ चुके हैं मतलब अपने रूम से, लेकिन पता नहीं जाना कहाँ पर है। पहले हम लोग सोच रहे कि फैजल मॉस्क जाएं, फिर कुछ लड़कों ने बोला यार वहाँ कुछ है ही नहीं, अगर नमाज का टाइम नहीं हुआ तो वो ओपन भी नहीं होती। क्या व्यू है यार, सारे पैसे यहाँ व्यू के यार, कसम से बड़ा मज़ा है। 2 दिन हमने दबा के पहले चेस खेली है, आज जाके थोड़ी ना सुकून मिला है कि यार कुछ घूम लें बाहर, और यार टाइम से फ्री हो गए, और दो दिन हम यहाँ रहे हैं, दोनों दिन तो बारिश हुई है यहाँ पर, मोबाइल वॉलेट सब गिरा, आदि नहीं है बारिश से, लेकिन जो बड़ा अब ठंड हुई है, मौसम हुआ है, वीआईपी हुआ है, अब डिसाइड करते हैं क्या सीन है, फिर आगे बताते हैं आपको। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम जा रहे हैं लेक व्यू पॉइंट।
और फिर वही बात हुई ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इस्लामाबाद आओ, अच्छे से घूमो, मौसम भी अच्छा हो, हर चीज़ परफेक्ट हो, और हर चीज़ परफेक्ट होती रहे। आप लोगों का पता नहीं, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। और फिर हुआ हमारे साथ ये छोटा सा, मोटा सा, मतलब मज़ीद मोटा और अजीब सा सीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग पहले घूमने गए थे अपना, कहाँ गए थे, रिवर साइड, लेक व्यू। हाँ, हम गए थे लेक व्यू। तो यार वो हम लोग, अब बड़ी बात ये, जिस ड्राइवर के साथ गए उसने बताया ही नहीं कि हफ्ता बार लॉकडाउन होता है। अब वहाँ उसने हमें उतार दिया, वहाँ पर अंदर गए तो भाई सारी वहाँ बाहर खड़ी कि हफ्ता बार लॉकडाउन होता है भाई, आज तो बंद है। अच्छा अब क्या जाए भाई, सेंट्रो से पूछा, सेंट्रो भी बंद कर, हफ्ता बार लॉकडाउन होता है। तो फाइनली हम लोग आए अभी सेवर फूड, यहाँ पर देखते हैं क्या मेन्यू है, क्या टेस्ट है और क्या हिसाब है सारा। अब लोगों ने बोल रहा सेवर फूड जाने का, तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या सीन है। सिटिंग है तो अच्छा है, बाकी अब खाना देखते हैं कैसा है। आज तेनु दसा इस शहर दी कहानी, राजा इस दे डाडे ने ते मालिक इस दे पानी, गुरी ना मारी किसी ते तेरी मेहरबानी भी। तो ये था मैं इस्लामाबाद का लास्ट व्लॉग। आप ये सोच जरूर रहे होंगे कि यार मैं इस्लामाबाद गया तकरीबन वन वीक के लिए और जगहें कम ही घूमी। यार बात ये है कि हम लोग मेन गए थे चैम्पियनशिप के लिए और वो ही खेली, इतना टाइम हमें मिलता ही नहीं था कि हम लोग जगहें घूम सकें। लेकिन जो जगह मैं जितनी जगह जा सका वहाँ मैं गया, लेकिन जो मेन फोकस हमारा था वो था लीग के ऊपर, वो हमने खेली। और जैसे ही लीग ख़त्म हुई उसके ही अगले दिन हम लोग आ गए वापस हैदराबाद। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, किसी कॉमेडी स्किट में या किसी शॉर्ट फिल्म में, देखते हैं क्या बनाए। लेकिन मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए